वैसे तो मेरा कोई भाई नहीं है, मगर कल भाई दूज है तो उसके लिए आज हम एक ट्रेरा से ड्राइंग बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसका स्केच बना लूंगी। आफ्टर स्केचिंग कलरिंग के लिए मैं कलर पेंसिल यूज कर रही हूँ। हम सबसे पहले भाई की बैंड से शुरू करेंगे। सो अभी मैं ब्लू के डिफरेंट शेड्स यूज कर रही हूँ फॉर डिफरेंट एरियाज। ओके, सो लास्ट में मैं इसे व्हाइट से थोड़ा सा मिक्स कर दूंगी। नाउ वी विल मूव ऑन द शर्ट। सो मैं इसे ऑरेंज कलर का रखूंगी, व्हाइट रखूंगी एंड स्काई ब्लू की वजह से हम इसे थोड़े शेड दे देंगे। स्किन की तरफ मूव करते हुए इसे मैं शेड दे दूंगी। सो ब्राउन कलर्स के डिफरेंट शेड्स यूज कर रही हूँ मैं एंड भाई दूज में जो चीजें लगती है उनको भी मैं कलर कर लूंगी। ओके सर, गिफ्ट के बारे में मत भूलना। इसे ग्रे कलर से शेड करने के बाद रेड कलर का रिबन बनाते हुए बैंड को कलर करूंगी। सबसे पहले स्किन कलर करूंगी, देन उसका जो टॉप है वो बनाऊंगी। सो ऑरेंज कलर यूज करूंगी, देन येलो कलर यूज करूंगी। अब चलिए गाइस स्कर्ट की तरफ बढ़ते से पहले बो बनाऊंगी, उसके बाद जो डिटेल्स है स्कर्ट पे वो बनाने के बाद मैं स्कर्ट को पूरा पिंक कर दूंगी। ओके, तब स्किन को शेड कर लेती हूँ। माँ की तरफ बढ़ते हुए मैं पहले उनका स्किन कलर कर लूंगी। अब हेयर बना रही हूँ तो सबसे पहले मैं ब्राउन कलर यूज़ करूँगी और जो इंग्लिश छोटी है मैं वहाँ पे ना थोड़ा लाइट कलर ऐड करूँगी तो इसलिए छोड़ा है। ब्लैक कलर पेंसिल का यूज करते हुए इसे हम थोड़ा सा शेड कर लेंगे। अब माँ की साड़ी बनाने के सबसे पहले मैं ऑरेंज कलर यूज कर रही हूँ। डिटेल्स के लिए मैं यहाँ पे रेड कलर यूज करूंगी। इसे पूरा येलो कलर कर दूंगी।
बैकग्राउंड पे मूव करती हूँ, मैं सबसे पहले वास पे जो फ्लावर्स एंड लीव्स है उसे बना लेती हूँ। चलिए गाइस अभी टेबल में भी थोड़ा सा शेड कर देती हूँ। चलिए गाइस अभी कर्टन बनाते हैं। सो कर्टन के लिए मैं पिंक कलर यूज कर रही हूँ। ओके सो विंडो के बाहर है एक ट्री। सो पूरा ट्री तो नहीं दिखेगा मगर उसके बुशेस जरूर दिखेंगे, तो मैं यहाँ पर वही बना रही हूँ। अब चलिए आसन को कलर करते हैं। सो उसके लिए मैं ऑरेंज कलर यूज कर रही हूँ एंड ग्रीन कलर भी यूज कर रही हूँ। अभी बैकग्राउंड बनाते हैं, मैं सबसे पहले पर्पल कलर यूज करूंगी। देन स्काई ब्लू कलर से मैं तो एक बैकग्राउंड के इसको आउटलाइन कर लूँगी एंड इसे पूरा घिस दूंगी। थोड़ा सा व्हाइट कलर अप्लाई करूंगी तो अच्छा लगेगा। नीचे मैं शेडोज ऐड करूंगी एंड देन इसे मैं ग्रे कर दूंगी पूरा। इसके ऊपर मैं व्हाइट कलर घिसूंगी तो ये पूरा मिक्सअप हो जाएगा एंड देखो हमारा ड्राइंग बन के तो रेडी भी हो गया। अगर आज की ये वीडियो पसंद है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो तो मुझे इससे मोटिवेशन मिल जाएगा न्यू वीडियोस बनाने का। मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी भाई दूज टू ऑल।